कोरोना महामारी का असर अब लोगों के सामाजिक संबंधों पर भी दिखने लगा है। महामारी के डर से लोग अपनों को भी पास बुलाने से परहेज करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिले में भी देखने को मिला। ग्रामीणों ने एक प्रसूता को, उसके 7 दिन के बच्चे और परिजनों को बिना कोरोना जांच के गांव में घुसने से मना कर दिया। परिवार को 8 घंटे अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर ओडिशा सीमा पर एक झोंपड़ी और शौचालय में गुजारने पड़े। तो किस तारीख में गए थे? वहाँ कितना दिन रुके? वहाँ 8 दिन रुके, अब पेट ऑपरेशन किया तो उसके बाद इधर हम लोग गाड़ी भाड़ा करके आया और इधर हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में रुके थे। झोपड़ी के पास रुके थे? झोपड़ी के पास रुके थे और बारिश आया तो बाथरूम में आके छुपे थे। शौचालय में आके छुपे थे? शौचालय में आके छुपे थे। अब जांच वाँच हो गया आपका? पूरा डॉक्टर पूरा आके जाँच वाँच कर दिया, पूरा सब ठीक है बोल के बताया। अब घर जा रहे हो? गरियाबंद के डूमर बहाल की नीलावती अपने 7 दिन के बच्चे, पति और सास के साथ ओडिशा से घर लौट रहे थे। 21 अप्रैल को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने नीलावती को ओडिशा के भीषम कटक अस्पताल में भर्ती कराया था। 23 अप्रैल को ऑपरेशन के बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे अपने गांव डूमर बहाल लौट रहे थे, लेकिन वाहन चालक ने उन्हें गाँव से 3 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, जहाँ उन्हें 8 घंटे बिताने पड़े। काफी मशक्कत के बाद महिला अपने बच्चे और सास के साथ गांव पहुंची। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें घर पर ही 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी है। भारत 9 के लिए गरियाबंद से रमेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।